तो हे गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ वापस अपने घर के किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिली पनीर। तो आपको भी मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे बनाती हूँ, कैसा बनता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। फिलहाल मुझे जो भी सामान चाहिए वो मैंने ले लिया है सब कुछ। तो आपको बताते चलूँगी क्या क्या यूज़ कर रही हूँ मैं सारा कुछ। तो पहले मैं सारी सब्जियों को जो भी मुझे कट करना है उसको मैं कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ फिर। तो गाइज, मैंने यहाँ पे प्याज मोटा रखा है वो कट कर लिया है, और साथ में ये शिमला मिर्च, टमाटर, और ये मिर्च वैसे तो मैं खाती नहीं लेकिन बाकी उनके खाती डाल ली है। और ये पनीर, पनीर ये देसी है, घर पे ही जमाया था हमने। और यहाँ पे ये अदरक, टमाटर और प्याज, लहसुन मेरे पास नहीं है तो इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पनीर को जो है वो थोड़ा सा भून लेना है तेल में। तो इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, और ये तो घर का पनीर है तो ज़्यादा करूँगी भी नहीं मैं इसको। तो पनीर को मैंने निकाल लिया है, और उसके बाद ये वाला मटेरियल डालूँगी मैं इसमें। अब तो इसको भी सिर्फ मैंने हल्का सा भूनना है 5-10 मिनट ये सारा कुछ। इसको एक साथ ही डाल देना मैंने ये सारा। तो इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, बस सिर्फ इसको तीनों को भून लेना है मैंने 10 मिनट तक। तो गाइस, इसको जो है वो स्टीम अच्छे से लग चुकी है और इसका पानी भी सूख चुका है, और बाकी ये तेल ही बचा है। तो इसको भी अब मैं निकाल के अलग थाली में रख लूँगी। तो गाइस, सब्जी निकालने के बाद जो है ये बचा है यहाँ पे। तो अब इसमें जीरा, ये धनिया, सब कुछ जो भी मसाले होंगे वो मैं ऐड कर लूँगी तड़के के लिए। तो इसके बाद अब ये डालते हैं पेस्ट। तो अब इसमें जो है वो कूटा हुआ अदरक मैं अलग से थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, बाकी हल्दी। और अब इसको मैं अच्छे से पकने दूंगी जब तक इसका तेल ना निकल आए। यहाँ पे एक्चुअली नमक ऐड करना मैं भूल गई थी, तो अपने स्वाद के अनुसार जो है वो नमक ऐड कर ले इसमें। और अब इसको मैं छोड़ देती हूँ, तब तक चपातियाँ बना लेती हूँ। गाइस, ग्रेवी जो है वो मेरी बनके रेडी हो चुकी है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा दही, और दही ऐड करने के बाद ये है मेरे पास टमाटो केचप। तो थोड़ा सा एक ढक्कन जो है ये ऐड किया है मैंने। तो अब इसको भी अच्छे से कर लूँगी मैं मिक्स। तो ये जो मैंने सब्जी निकाल के रखी थी वो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सब्जी ऐड करने के बाद पनीर भी मैं अब ऐड कर दूंगी इसमें, और अब इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छे से। तो इससे पहले मैंने धर्मशाला में बनाया था वो तो काफ़ी अच्छा बना था, तो आज क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है तो पता नहीं कैसा बना होगा। चलिए फिर बताएंगे आपको खा के कैसा बना था। वो फिलहाल चपातियों का काम चला हुआ है मेरा, तो मिलते हैं आपसे अब खाने पे। तो फिलहाल ये रेडी हो चुकी है, थोड़ी देर इसको मैं रखूँगी 5-10 मिनट अब ऐसे ही, उसके बाद ये रेडी हो चुकी है। बहुत मजा आया भाई, बहुत बड़ा मजा। मैं तो अपनी उंगलियां लगा खा गया, बहुत बढ़िया, अद्भुत। थैंक यू। गाड़ी ले जाऊंगा मैं तुम्हारी, मेरी गाड़ी तो उधर है, तो उधर है तो इधर से ले जाऊंगा मैं, ऊपर रखी है ना। बाइक लेके जाओ आप, बता भाई की लेनी है, गाड़ी लेनी, स्कूटी है मेरे पास उधर, मेरे को गाड़ी चाहिए। हां जी, मैंने तो एक कार स्कूटी आया है। हां, तैयार हो क्या? कार बोल क्या है मेरे पास, तार बड़ी सारी तारें पड़ी है। क्या खाया? क्या खाया? दाल चावल। दाल चावल?